तवा बीफ चाप। बीफ तवा चाप। तो आपने क्या करना है इसको कि ओवरनाइट, मतलब इसको पपीता लगा के रख दें और इसको अच्छे से पोक करें। ये मेरे सामने पपीता है और ये चापे मैं ऐड करूँगा आपके सामने इस तरीके से, और इसके अंदर मैं अच्छी क्वांटिटी के अंदर पिसा हुआ पपीता, अगर आपने पिसा हुआ पपीता नहीं है आपके पास तो इसके अंदर आप जो है वो प्याज का पानी भी ऐड कर सकते हैं। और अगर प्याज का पानी भी नहीं करना है तो जैसे कचरी पाउडर होता है आप वो ऐड कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले चापों को बीफ की वो पपीता लगाने के बाद इस तरीके से अच्छी तरीके से पोक करेंगे। आप इसके ऊपर ये चापे जो है वो रख दें। और एक दूसरा बोल ले लेते हैं और इस बोल के अंदर जो है वो हम डालेंगे सबसे पहले दही। इस तरीके से आप इसको अच्छा सा फेंटें, जिसे कहते हैं ना लई बन जाना, वो लई बननी चाहिए। टेबलस्पून जो है वो एक जिंजर गार्लिक ऐड कर देंगे, ठीक है, और इसको वापस इस तरीके से लिड लगा देंगे। अच्छा, कोशिश करनी है कि आपने जब ये लिड लगा देना तो उसकी धीमी आँच पे जो है इसको रख दीजिएगा ताकि जितनी भी चापे हैं ना वो अपने आप में पकती जाएं। अब इसकी जो मैरिनेशन बने बनानी थी उसकी तरफ चलते हैं कि इसके अंदर हमने जो है 1/2 टेबल स्पून जो है वो नमक ऐड किया, चिली चाहे तो लाल मिर्ची यूज़ कर सकते हैं पिसी हुई, मैं जो हूँ वो ये फ्लेक्स जो होते हैं कुटी हुई वो यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगा वाइट पेपर, फिर मैं ऐड करूँगा 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, धनिया पाउडर, पाउडर और क्रश्ड वो आपके ऊपर है लेकिन क्रश यूज़ कर लें ज़्यादा बेहतर है कि थोड़ा सा आपको जो है वो फील भी हो खाने में। इसके बाद इसको दोबारा इस तरीके से जो है ना वो मिक्स करेंगे और एक पूरा अच्छा सा इसका बैटर बना लेंगे और फिर हम सिंपली इन चापों के ऊपर डाल देंगे। और जिसको ड्रेसिंग करेंगे इसकी, वो जिस तरीके से लाहौर की मशहूर चापे होती है ना, तवा चापे, चापे बन रही हैं, ओ हो, खूबसूरत सी जो है वो इसकी शक्ल बन निकल के आ रही है। अच्छा, जब हड्डी से गोश्त अलग होने लगे तो समझें कि आपका गोश्त जो है वो गलने की तरफ है। अब थोड़ा सा इसको यूँ हटा देते हैं क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा कि पूरा शो जो है वो हमने बिल्कुल छुपा के खेला है। इस तरीके से आप चापों को थोड़ा सा फ्लेम तेज़ कर देता हूँ और ख्याल रखिए क्योंकि तवा बड़ा है तो जितनी आग तवे के अकॉर्डिंगली फैलती जाएगी, तो कोई करीब में कोई कांच की प्लास्टिक की चीज़ें हो ना तो उनको दूर कर लें। अब हम ये सारा इसके ऊपर डालेंगे क्योंकि दही भी अपना पानी छोड़ेगा और ये साथ ही साथ जब सारे मसाले इसके अंदर अपना जायका छोड़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा खाने में ना, रेसिपी इतनी कोई दमदार बनेगी। थोड़े से मसालों के साथ जो बहुत मज़े की चापें बनी हैं, धनिया और पुदीना और हरी मिर्चें, फुल स्पाइसी चटपटी बछिया की चापें, ये अपना ग्रीन मिक्सचर जो हमने बनाया है वो हम ऐड करेंगे इस तरीके से। तवा बीफ चाप। अज्जा, बीफ चाप 2 किलो, तेल 100 ग्राम, पानी हसबे ज़रूरत, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च 1/2 खाने का चम्मच, सफ़ेद मिर्च 1/2 खाने का चम्मच, लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, पिसा जीरा 1/2 खाने का चम्मच, पिसा धनिया 1/2 खाने का चम्मच, दही 100 ग्राम, लीमू 2 अदद, कच्चा पपीता 100 ग्राम, हरा धनिया आधी गट्ठी, पुदीना आधी गट्ठी, हरी मिर्च हसबे ज़रूरत। Add some masala to your life.